मध्य प्रदेश के खंडवा में गरबा आयोजन के लिए हिंदू संगठनों ने आयोजन के गाइडलाइन जारी की गई। आयोजन में गैर हिंदू प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध, आधार कार्ड लाना अनिवार्य, तिलक लगाकर होगा स्वागत, उसी को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा और गरबा आयोजकों द्वारा बैठक रखी गई। बैठक के बाद में सभी ड्रेसअप, गरबा ड्रेसअप और क्लासेस वालों को इस बैठक में बुलाया गया, जहां पर इन्हें समझाइश दी गई। आयोजन में गैर हिंदू प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध, गरबा में आधार कार्ड अनिवार्य, तिलक लगाकर होगा स्वागत। शहर में कई क्षेत्रों में गरबा क्लासेस शुरू हो गई है। हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये रामनगर का है जहाँ पर गरबा सिखाया जा रहा है। कई जगहों पर गरबे की प्रैक्टिसें भी की जा रही है। खंडवा में भव्य होगा गरबा का आयोजन। देखिए, आयोजन सफल हो, आयोजन में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना आए, विघ्न ना आए, इसको लेके भी हमारे कुछ हिंदू संगठनों ने भी इसकी गाइडलाइन जारी की है। कुछ हमारे आयोजन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी होती है। गाइडलाइन कहते हैं कार्यक्रम को लेकर एक नियम होता है, तो यही नियम के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रवेश लेगा, हम एक तो फैमिली को ही प्रवेश दे रहे हैं। तिलक लगाकर, जो एक हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति का एक पहचान होती है, तो हम तिलक लगाकर ही सबको प्रवेश दे रहे हैं। आधार कार्ड लेकर दे प्रवेश दे रहे हैं, आइडेंटिटी लेकर प्रवेश दे रहे हैं। एक माता रानी का त्यौहार होता है, ये हम इसको पूर्णतः पारंपरिक तरीके से मनाना चाहते हैं, धार्मिकता के साथ मनाना चाहते हैं। और ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और हिंदू धर्मार्थी जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत तिलक लगाकर करते हैं, जो कि हिंदू धर्म की एक पहचान होती है, और इसी के तहत हम ये आयोजन करने जा रहे हैं। हम लोग वैसे तो नवरात्रि का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमने 2 महीने पहले से ही नवरात्रि को सेलिब्रेट करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। हम लोग वैसे तो हर साल डांस करते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन आते हैं, जो बहुत स्पेशल होते हैं, तो हम इस पर एक फोक डांस रहता है गरबा का, मतलब डांस का एक स्टाइल रहता है गरबा, हम लोग वो परफॉर्म करते हैं, ताकि उससे हम माता जी को प्रसन्न कर सकें हमारे डांस से। अच्छा, वो वस्त्रों को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या कुछ आपके मन में आता है? मेरे मन में तो यही है कि आजकल तो सभी हर तरह के कपड़े पहनने लग गए, लेकिन ये जो 9 स्पेशल दिन होते हैं, जो ट्रेडिशन आते हैं, जो इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड होते हैं, तो ऐसे मौक़ों पे तो हमें सिर्फ ट्रेडिशनल रुक ही अपनाना चाहिए। जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो हमें लॉन्ग ड्रेसेस, कुर्तियाँ वगैरह पहनना चाहिए, गरबा ड्रेसेस पहननी चाहिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दक्षा खातर कर है। सभी आयोजनकर्ता और संगठनों ने मिलकर तय किया है, जितने भी गरबा क्लासेस हैं, सभी लोगों से मिलकर सामंजस्य बिठा के तय हुआ है। कुछ लोग जरूर बोल रहे हैं कि संगठन विरोध कर रहा है, संगठन विरोध नहीं कर रहा है, संगठन अपनी धर्म संस्कृति आस्था को रखते हुए उस चीज़ से उसके अनुरूप कार्यक्रम हो, गरबा हो, उसके लिए उनको सामंजस्य बिठा रहा है। आप सभी को ज्ञात है कि नवरात्रि जो है माँ शक्ति और उपासना का पर्व है। माँ की शक्ति का पूजन किया जाता है, उपासना किया जाता है, मंत्रों का उच्चार करके उसकी साधना की जाती है। परंतु जिस प्रकार से गरबा फ्री स्टाइल गरबा के नाम से, उसको मात्र गरबा नहीं, फ्री स्टाइल गरबा के नाम से जो मनोरंजन का साधन बना लिया है, जिसमें कुछ लोग व्यसन करके आते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से, मतलब इसको गरबा के रूप में नहीं, उसको डांस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है उनसे कि हमारी संस्कृति आस्था को ध्यान में रखते हुए इसमें गैर हिंदू प्रवेश ना हो, इसमें जो गरबा करने वाले हैं वो मर्यादित कपड़े पहने, महिलाओं का अलग हो, पुरुषों का प्रांगण अलग हो, ये सब मिलके करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। संगठन तो चाहता है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम हो, और सभी संगठन इसलिए लगातार सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि कितने अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि हमारे धर्म संस्कृति आस्था को अगर ठेस पहुँचती है, तो हम उनको चेतावनी भी दे के आए हैं, और देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि हम ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।